मध्य प्रदेश में किसानों को उनकी फसल का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। कुछ समय पहले मध्य प्रदेश सरकार ने भावांतर भुगतान योजना शुरू की थी, जिसके अंतर्गत किसानों को मंडी में मिलने वाले दाम और एमएसपी के बीच का अंतर सरकार को किसानों के खातों में भेजना था। देखिए ये रिपोर्ट। मंदसौर में हुए बड़े किसान आंदोलनों के बाद किसानों के गुस्से को शांत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने भावांतर योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मकसद एमएसपी और मंडी के रेट पर अंतर की रकम सरकार ने देने का वादा किया था। ये स्कीम सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मध्य प्रदेश में किसानों को इस योजना का कोई लाभ तो क्या होता, उल्टा नुकसान हो रहा है। अन्य योजनाओं की तरह इसका फायदा भी किसानों की बजाय बिचौलियों को मिलने लगा है। मंडी में आढ़ती किसानों से भुगतान की वो राशि काट रहे हैं जो उन्हें सरकार से मिलने वाली है, यानी किसानों के लिए शुरू हुई सरकार की इस योजना का फायदा बिचौलियों को मिल रहा है और किसान की हालत पहले से भी बदतर हो गई है, क्योंकि इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि किसानों के खातों में अभी तक आई ही नहीं है। योजना के लागू होते ही राज्य की मंडियों में सोयाबीन, उड़द और राज्य की कई अन्य मुख्य फसलों के भाव पिछले 3 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर आ चुके हैं। मंडी के न्यूनतम मूल्य का खामियाजा उन किसानों को भुगतना पड़ रहा है जिन्होंने भावांतर योजना में पंजीयन प्रक्रिया की जटिलता को देखकर पंजीयन ही नहीं कराया था। राज्य में 45% किसान अभी भी भावांतर योजना में पंजीकृत नहीं हो पाए हैं। कारण इसमें अधिकांश अनपढ़ और गरीब तबके के किसान हैं जिनके पास खेती के छोटे छोटे रकबे हैं। योजना में किसान को पंजीयन के बाद बिक्री पर्ची को लेकर मंडी कार्यालय पहुंचकर बिक्री पर्ची को भावांतर के पोर्टल पर अपडेट करना होता है। इस प्रक्रिया के लगभग 1 सप्ताह बाद ही मंडी कर्मचारी उसकी बिक्री का प्रमाण पत्र जारी करते हैं। इस तरह एक फसल बेचने के बाद किसानों को कम से कम 3 बार मंडी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। लेकिन जब ये योजना शुरू की गई थी तो राज्य सरकार ने कहा कि किसानों को भावांतर राशि का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम से सीधे बैंक खातों में किया जाएगा। इसकी सूचना किसानों को उनके मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से भी दी जाएगी। किसानों की फसल खरीदने का समय 16 अक्टूबर से 15 दिसंबर 2017 तक तय किया गया था। फसल बेचने के बाद नवंबर से अब तक किसानों को इस राशि का भुगतान नहीं हुआ है। योजना अक्टूबर में शुरू हुई और किसानों ने खरीफ की फसल बेच दी, जिसका पैसा उन्हें अब तक नहीं मिला है और अब किसानों को अगली फसल की बुआई करने के लिए पैसे चाहिए। उधर केंद्र सरकार देश भर में इस योजना को लागू करना चाहती है। हरियाणा के सीएम भी इस योजना को लागू करने की बात कर चुके हैं। इससे पहले भी कई योजनाएं ऐसी रही हैं जिनकी पहुंच से किसान दूर रहे और परिणाम ये रहा कि योजना असफल रही। आरुषि पुंडीर, गो न्यूज़।